मथुरा में दबंगों की दबंगई के चलते पूरे गांव के पानी का निकास बंद हो गया, जिससे गांव में गंदगी फैल गई। दरअसल मामला गोवर्धन तहसील के अंतर्गत सपेरे का नगला राधाकुंड का है, जहां एक पटेल परिवार ने अपने घर के सामने जा रहे सरकारी रोड के किनारे बनी नाली को बंद कर दिया, जिसके चलते पूरे गांव की नालियों का पानी रुक गया और पूरे गांव में गंदगी फैल गई। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी और नाली को खुलवाकर पानी को सुचारू रूप से चालू किया और ग्राम प्रधान से नाली के पानी को सुचारू रूप से चालू रखने की बात कही। नाली बनाओ साहब, ले जाओ पानी। तो इस समय आपदा आई हुई है देश के ऊपर, क्या इस समय नाली वगैरह कोई भी कार्य तो होगा नहीं? नहीं तो हमने 5 साल हो गए, पांच साल में अभी तक ना बनी नाली। तो ये सरकारी नाली है ना, इसमें तो पानी जाएगा ही जाएगा, ये प्राइवेट है आपकी? नहीं तो ये सरकारी है ना। प्राइवेट मतलब ये नाली कोई सरकारी नहीं है, रोड पर देख लो, पटवारी बुला लो। सरकारी कोई नाली नहीं है? सरकारी कोई नाली। तो ये नाली किसकी है, किसकी जगह में से आ रही है? हमारी में से आ रही है। तुम्हारी जगह में से आ रही है? चक्रोड है, चक्रोड है ये तो सरकारी। तो चक्रोड तो सरकारी होता है ना? हाँ चक्रोड सरकारी होता है। तो उसमें तो आपका कोई अधिकार नहीं होता, आप कह रहे हैं हमारी चक्रोड में जनता का कोई अधिकार नहीं होता? न गांव आने का पानी का कोई अधिकार नहीं है चक्रोड में आने का। क्यों नाली रोक दी? नाली तो हमने खुला, इसीलिए खुलवाई थी नाली जो पानी बाहर निकल जाए। जैसा कि दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि नाली थोड़ी आगे तक जाके बंद हो रही है, इसको आगे नाली में नहीं डलवाया गया है, उसके घर के सामने पानी इकट्ठा हो जाता है। देखिए पहली बात तो ये है कि वो नाला है ना, नाली तक जो क्या कोई ऐसी चक्रोड़ या नाली नहीं है सरकारी, जो वहाँ तक नाली खुद दी जाए, ठीक है सर? इसके लिए हम लोग आगे के लिए कैसे व्यवस्था हो, नाली हमने इतनी खुदवा दी है कि पानी वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, ये श्योर है। अब अभी इनकी ये शर्त है कि ये लॉकडाउन के बाद आप इस नाली का पानी का निकास आप करवाएंगे? पानी हम नहीं रोकने देंगे, पानी अगर वहाँ तक रुकेगा हम नाली आगे तो खुदवा देंगे, पक्का श्योर।